यशोमती मैया के नंदलाला। हाँ लो जी। मैया ने तो सारी योजनाएं चौपट कर दी, अब विंदा देवी को जो वचन दिया है उसे कैसे निभाऊं मैं? मेरे प्रभु आने वाले हैं, मुझे उनके स्वागत की तैयारी करनी होगी। सुन कान्हा, एक कार्य करे। ना, आप मेरी बात ना सुनती, मैं भी आपकी बात ना सुनूंगा। इतना क्रोध क्यों रे? वन जाके क्या करना था तुझे? मिलना था। मिलना था वन में किससे? ये क्या बोल रही हूँ मैंने, फिर से फंस गो। बिच्छू और लताओं से, खरगोश से, हिरन से, खिलाड़ी से, वानर महाराज से, सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे ना? हाँ, जैसे पूरा का पूरा वृंदावन का वन तुझसे ही मिलने की तो प्रतीक्षा कर रहा है। आपको कैसे बताऊं मैया, वृंदा देवी स्वयं मेरी प्रतीक्षा कर रही है। अच्छा ठीक है, वन किसी और दिन चले जाएंगे उनसे मिलने, हुँ? पर आज मैया और लल्ला बहुत सारे खेल खेलेंगे, बहुत आनंद उठाएंगे। पता कौन सा खेल खेले? टूट गओ कान्हा। मैंने तो कितने समय तक बनाया था मैया को, जब ये रूठ गई थी, पर ये तो इतनी शीघ्र ही थक गई। मेरी तू रही था मैया, कोई खेलना खेलना, मुझे तो बन जानो है। आप ना जाने दोगी तो मैं सेम चले जाऊंगा अपने सखाओं के साथ। प्रयास भी मत करियो लल्ला, और तुम सब भी, तुम में से कोई भी बन जाने का प्रयास ना करेगा, समझ आई? हाँ। अच्छा लल्ला, मैं तुझे वचन देती हूँ, अगली बार जब बन जाऊंगी ना, तुझे साथ लेके जाऊंगी, बल्कि मैं जब भी बन जाऊं तू मेरे पीछे पीछे आ जाइयो, बस। मुझे पता है, मैं ऐसा करूंगा तो आप मुझे घर पे डांट के बैठा दोगी। ना लल्ला, मैंने वचन दियो ना, मैं जब भी बन जाऊं तू मेरे पीछे पीछे आ जाइयो। पर हम जाएंगे कब? अब उसका निर्णय बाद में करेंगे लल्ला, अभी तुम सब बताओ, खाने के लिए कुछ लाऊं? पर
मुझे तो आज ही जाना है मैया। मीठे बुए। हाँ, मीठे बुए। ठीक है, तुम सब यही प्रतीक्षा करो, मैं गरम गरम पुए लेके अभी आई। आप इतने दुखी क्यों हैं प्रभु? वृंदा देवी से कह दीजिए कि वो थोड़ी प्रतीक्षा और कर ले। ये तो प्रतीक्षा कर लेगी मुरली, पर कंस मामा नहीं करेंगे। यदि उसने मुझ पर दृष्टि रखी है तो इसका अर्थ है कि अनुशासन में कमी है। किंतु अब जो मैं करने जा रहा हूं उससे उसको अधिक आनंद आएगा। मुझे साक्षात दर्शन देकर आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है प्रभु। आपसे मेरा नाता बहुत पुराना है वृंदा देवी, तो फिर मिलने कैसे ना आता मैं? मैं कुछ समझी नहीं प्रभु। आपके बारे में तो सारे जगत को जानना चाहिए। महाराज केदार की पुत्री वृंदा जो अपनी भक्ति से गोलों की अधिकारी बन गई थी, यहाँ इसी स्थल पर अपनी तपस्या से आपने मुझे प्राप्त किया था। तब यहाँ कुछ भी नहीं था। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय। आंखें खोलो वृंदा, आंखें खोलो वृंदा, आंखें खोलो वृंदा। प्रभु आप? मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अपनी साधना से बंजर भूमि को भी उपजाऊ बना दिया है तुमने। रिक्त पड़े इस स्थान को हरे पूरे वन में परिवर्तित कर दिया है तुमने, और अब तुम इस वन का भाग बन चुकी हो वृंदा, और ये वन बन गया है तुम्हारा अंग। अब से युग युगांतर तक ये वन और इसके निकट का क्षेत्र तुम्हारे ही नाम से जाना जाएगा। इस वृंदावन में आकर जो भी भक्त तुमसे आज्ञा लेकर तप करेगा, उसका तप तुम्हारे तप की तरह अवश्य सफल होगा। अब से ये वन क्षेत्र पूजनीय होगा। प्रभु, एक भक्त को पूज्य क्यों बना रहे हैं आप? अब तुम केवल एक भक्त नहीं रही वृंदा, वृंदा देवी बन गई हो, वृंदावन की स्वामिनी, वृंदावन की देवी। मैं वचन देता हूं द्वापर में फिर तुमसे भेंट करने आऊंगा, और तब तुम मेरी लीलाओं की साक्षी बनोगी। आज मैं यहाँ अपना वचन पूरा करने के साथ साथ एक पाठ के लिए भी आया हूँ। वृंदा देवी, मुझे आपकी आज्ञा चाहिए। आज्ञा नहीं प्रभु, आदेश दीजिए। कंस के राक्षसों के वार से गोकुल वासियों को बहुत हानि पहुंची थी। मैं ना चाहता वृंदावन में भी ऐसा ही हो। कंस के राक्षस गांव तक पहुंच पाए उससे पहले कि मैं यहाँ आपके वन में उनका सामना करना चाहता हूँ। बस इसीलिए आपकी आज्ञा चाहिए थी मुझे। ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा प्रभु। पूर्व काल में दिए आपके वचन के अनुसार मैं आपके लीलाओं की साक्षी बन पाऊंगी।
समय होगा सुबह हुए। बलराम आयो ही ना अभी तक ढूंढने? पक्का पहले कान्हा को ढूंढ रहा होगो। इतने समय तक एक ही स्थान में छुपने वालों में से ना है। कान्हा, भोला, बंसी, हाँ रानी भाभी, कान्हा कहाँ है? रानी भाभी, कान्हा तो अभी यहीं पे था। हाँ। ये ब्रिज के पीछे ही छुपा हुआ था। जाने कहाँ चला गया हुआ जी? बहुत उदंड होगा हुआ जी। जिसके साथ साथ आपको एक और सहायता करनी होगी मेरी। कान्हा, मेरी सत्य को, मेरी दिव्यता को मैया से छुपाना होगा आपको। कान्हा, इससे बातें कर रहा था तू? कान्हा, वो स्त्री कौन थी? वो स्त्री कौन सी स्त्री? यहां तो कोई भी ना है, पर मुझे लगो मैंने किसी को देखा है। कान्हा, कोई थी ना यहाँ? हाँ, हाँ छोटी माँ। कौन? रात अनुचित समय पर फंसा रहे होता हूँ। पता नहीं छोटी माँ, पर जो भी थी, बहुत सारी बेल और लता है उनके तन से लिपटी हुई थी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.